गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स. ओके बेटा, फर्दर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट PDF ऑफ दिस चैप्टर न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. ओके बेटा, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टमक. नाउ इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा, वो बिल्कुल स्मॉल नहीं होती. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दैट इज स्मॉल क्यों बोलते हैं उसको, बिकॉज दैट इज हैविंग अ वेरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन अ वेरी लो स्पेस. बिल्कुल थोड़े से स्पेस में वो कॉइल्ड होती है और वहाँ पर एडजस्ट होती है. तो दैट इज़ वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट ऑल दैट स्मॉल. इट इज़ अबाउट 6-7 मीटर लॉन्ग होती है एंड इट हेल्प्स इन. सो बेटा, इट इज़ अबाउट 6-7 मीटर लॉन्ग. इट हेल्प्स इन डाइजेशन बाई यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ सिक्रीशन. ये 6-7 मीटर लॉन्ग होती है और हेल्प करती है इन द डाइजेशन ऑफ फूड बाई यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ सिक्रीशन. फर्स्ट जो है बेटा, दैट इज सिक्रीशन फ्रॉम लीवर. द लीवर इज द लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी. लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी की. इट इज प्रेजेंट स्लाइटली बिलो द स्टमक. ये हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है ऑन द राइट साइड में. इट सिक्रीट बाइल जूस. ये बाइल जूस सिक्रीट करती है. दैट इज स्टोर्ड इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. और ये जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में. दिस बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट. ये बाइल जूस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट. जो हमने इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस, जो फैट है बेटा दैट इज डाइजेस्टेड एंड फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मसल्स फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज बेटा, सो द सिक्रीशन फ्रॉम द पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज अ येलो लीफ शेप्ड. सो बेटा, नाउ सिक्रीशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस. इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं. दिस जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट. ओके, नाउ बेटा द इंटरनल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पार्ट ऑफ रीडिंग. ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यू हैव टू मेक द डायग्राम एंड देन राइट द स्पेसिफिक वेल लेबलिंग ऑफ दिस डायग्राम. नेक्स्ट बेटा, डिफाइन ऑल 4 टाइप्स ऑफ टीथ. So answer is we are having mainly 4 type of teeth: incisor, canine, then beta hamare paas premolar and molar. Next, differentiate between milk teeth and permanent teeth. Milk teeth or permanent teeth ko differentiate karna hai. The milk teeth jo hai beta wo first baby set of teeth hota hai, that are 20 in number. Jo total 20 hote hai number mein, दे आर अराइज्ड एट द एज ऑफ 6 मंथ. जब बेबी 6 मंथ का होता है तो फर्स्ट जो टेम्परेरी टीथ है मिल्क टीथ वो आती है. नेक्स्ट बेटा, परमानेंट टीथ. दे अराइज एट द एज ऑफ 6 ईयर्स एंड दे आर 32 इन नंबर. वो 32 होते हैं और परमानेंट होते हैं. उसके बाद लाइफ टाइम भी ये जो टीथ है अगर डिस्ट्रॉय हो गया देन इट कैन नॉट बी ग्रो अगेन. नेक्स्ट इज बेटा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल इनटू सिंपलर वन. ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. नाउ एक्सप्लेन द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा थ्रू डायग्राम. डायग्राम के थ्रू अमीबा की जो डाइजेशन प्रोसेस है वो शो करनी है. फर्स्ट यू हैव टू शो द ingestion, then digestion, then absorption, and then assimilation, and the last one is egestion. The next is beta, define the components of alimentary canal. Alimentary canal ke components ko define karna hai. Alimentary canal is the long tube that is formed of buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, stomach, rectum. ओके बेटा, नाउ द डिफाइन कंपोनेंट वी हैव डिस्कसिंग फूड बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक,
small intestine, large intestine, rectum, and then anus. Then beta, name the largest gland of our body. The largest gland of our body is liver. Liver जो है वो हमारी body की largest gland है. Then dash help in cutting of food. Incisor, the front pair of teeth that helps in the cutting of food. Next beta, dash teeth appears at the age of 6 months. That is baby teeth, or you can say milk teeth. Next, name the acid produced by stomach. The acid produced by stomach is HCl, hydrochloric acid. Next beta, give the meaning of the term holozoic nutrition. When the human or amoeba take whole amount of the food and digest it inside the body, that is called holozoic nutrition. Next beta, give the meaning of the term, give the example of unicellular and multicellular organism. The unicellular organism is amoeba and multicellular organism is that is human beings. Next beta, what is the role of saliva in the digestion? Saliva helps in the digestion of carbohydrate because saliva contains salivary amylase enzyme which help in the digestion of carbohydrate. Next beta, the small intestine jo hai use karta hai bile juice ko, pancreatic juice ko and intestinal juice ko and complete the process of digestion of food in itself. और जो digestion की process है उसको complete करता है. Carbohydrate जो है are digested simple sugar like glucose. जो carbohydrate है वो digest करता है simple sugar जैसे glucose, protein that are broken down to वो amino acid में change करते हैं and fats जो है that are broken down into fatty acid and glycogen. Now beta, the next type is absorption of digested food in the small intestine. जो small intestine है हमारी उसकी inner wall वो absorb करती है digested food को. It has a large number of finger-like projection called villi. This is the structure of villi beta. ये finger-like structure villi जो present होती है small intestine में. The villi increase the effective surface area for absorption of digested food.